कांग्रेस बागियां दी कतार लंबी हुंदी जा रही है। नामजदगियां भरन दे आखरी दिन आदमपुर तो टिकट ना मिलन ते महेंद्र केपी नाराज हो गए। केपी तां नामजदगी पेपर भरन भी पहुंच गए सी पर कांग्रेस वल्लों हरी झंडी नहीं मिली, जिस दे बाद केपी दा पारा चढ़ गया ते उन्हां कांग्रेस दे धोखा देण दे इल्जाम लगाए। उधर सुल्तानपुर लोधी तो कांग्रेस के उम्मीदवार नवतेज चीमा के खिलाफ राणा गुरजीत के बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह ने आजाद उम्मीदवार वजों कागज भर दिते ने। खडूर साहिब च भी कांग्रेस उम्मीदवार रमनदीप सिक्की का विरोध कर रहे MP जसबीर डिंपा के भरा राजन गिल ने आजाद उम्मीदवार वजों अपनी नामजदगी भर दिती है। तो एक होर तस्वीर जो नज़र आई, जगमोहन कंग जो टिकट न मिलन तो नाराज सन, कांग्रेस से इल्जाम लगा रहे सन, ओ आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो गए ने। आदमपुर सीट समेत कई सीटां ने जिथों कांग्रेस नूं बगावत चलनी पै रही है ते नॉमीनेशन दे अखीरले दिन कुछ वखरे ते नाराजगी भरे सुर आदमपुर हलके दे विच नजर आए। आदमपुर सीट नूं लैके कांग्रेस विच अखीर तक सस्पेंस बनिया रहा। एक पासे महिंदर सिंह केपी सन ते दूजे पासे कांग्रेस दे उम्मीदवार सुखविंदर कोटली। महिंदर सिंह केपी अपनी नामजदगी भरन दे लई पहुंच गए ते इंतजार करते रहे कि कांग्रेस कदों उन्हां नूं रस्मी तौर ते अपना उम्मीदवार ऐलान करती है, पर कांग्रेस ने महिंदर केपी नूं हरी झंडी नहीं दित्ती ते केपी नूं बिना नामजदगी भरे उत्थों वापस परतना पिया, जिस दे बाद उन्हां दा गुस्सा कांग्रेस दे खिलाफ फुटिया। केपी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस ने उन्हां नूं जलील कीता है अते कांग्रेस छड्डण दे लई मजबूर कीता है। मैं ये समझदा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ह्यूमिलेशन जी है मेरे नाल की है। असी बड़े वो परिवार हाँ, तुम सारे जलंधर के लोग जानते हो जिन्होंने कुरबानियाँ कीतिया, तो जे इदा का कोई काम करते हैं तो मैं साढ़े तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं समझदा भी हूँ कांग्रेस ने एक परंपरा जी बना ली है कि जोड़े पुराने बंदे आ सीनियर बंदे आ उन्होंने जलील करो तो आप ही वो गैरतमंद जो लोग होंगे आप ही निकल जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक जलील किया, हूँ मैनू भी किया, होर भी बहुत सारे लोग आ जिन्होंने जिन्हों जलील किया। और नवीं नवी पार्टिया के जहाँ बंद कोई पार्टी वजूद नहीं आ किसी होर पार्टी के उन्होंने काम किया, एक दिन पहला उन्होंने लिया अगले दिन उन्होंने टिकट देते हैं। जोड़े थोड़े ट्राइड एंड टैसटड जोड़े बंदे आ जिन्होंने पंजाब लिए टैररिज्म वास्ते आज़ादी तो लैके हूँ तक कांग्रेस के नाल खड़े रहे परिवार, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने हौली 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 परे कर दिता। मैं समझदा कि कांग्रेस हम माड़े दिन होंगे। दरअसल आदमपुर सीट तो महेंद्र सिंह केपी टिकट के मुख दावेदार सन, CM चन्नी भी उन्होंने वकालत कर रहे सन, पर पार्टी हाईकमान ने सुखविंदर कोटली नूं टिकट दिती। फिर खबर आईया कि पार्टी सुखविंदर कोटली की टिकट कट के महेंद्र केपी नूं दे सकती है। नामजदगियों के अखीरले दिन तक इस खबर से सस्पेंस बनया रहा कि पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार कौन होगा। इन्हां खबरों के विचाले महेंद्र सिंह केपी कांग्रेस पार्टी के वलों अपनी नामजदगी भरन के लिए पहुँच गए, पर महेंद्र सिंह केपी नूं पार्टी वलों हरी झंडी ना मिली तो उन्होंने निराश होकर वापस परतना पिया। आदमपुर तो सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18।